बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है इस पहली वीडियो में। ये हमारे चैनल की अभी तक की सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैंने टॉपिक भी सबसे बेसिक सा रखा है, जिसका क्या नाम है आपको ऊपर दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब बातें आप लोगों को अच्छे से पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बस आपको इतना समझाने के नोटिस आया हूँ कि जो बेसिक छोटी छोटी सी बातें होती है कि कौन सा नंबर क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कि बेसिकली ये सारे नंबर्स कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो यही बताने के लिए बस मैंने ये अपनी चैनल की स्टार्टिंग और पहली वीडियो उसी बेसिस पे बनाई है। मेरा नाम धैर्य बंसल है और चलिए लेट्स बिगिन दिस। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है नंबर्स, आप सब लोग वाकिफ हो, नंबर्स आर बेसिकली न्यूमरल्स दैट हेल्प्स अस टू समटाइम काउंट, दैट वी काउंट और दैट वी यूज टू काउंट समथिंग ऑफ कोर्स। सो ऑन द बेसिस इट्स ऑन सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर मोर इंटरमीडिएट क्लासेस बट नॉट हेयर। तो different types of numbers are there on different types of classification. सबसे पहला जो हमारा numbers आते हैं वो कौन सा आते हैं, होल numbers। कौन सा आते हैं, होल numbers। अब होल numbers होते कौन से हैं, all those numbers that start from zero, यानी zero से लेकर आगे तक जहां तक भी आप लोगों की counting जाती है उन सभी numbers को हम क्या बोलते हैं, होल numbers। उन all those numbers are said to be as होल नंबर्स। एग्जाम्पल में आपको देखिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। इन्हीं से मिलता जुलता है कुछ हमारा नेचुरल नंबर्स, उसमें बस आपका ये जीरो हट जाता है। जीरो के अलावा जितने भी आपके नंबर्स हैं फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड टिल इन्फिनिटी, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर समझ में आता है जीरो से लेकर आगे काउंटिंग जहां तक भी आप लोगों की जा सकती है। नेचुरल नंबर्स जीरो हटा दो, बाकी के जो नंबर्स आए वन से लेकर वो सब आपके नेचुरल नंबर्स। बेसिकली ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। कैसे होते हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं और ये भी पॉजिटिव होते हैं। इनको डिनोट किससे करते हैं, अगर बहुत सी जगहों पर आपको जो भी नहीं पूरा पूरा नाम लिखा हुआ दिखे, आपको होल नंबर्स की जगह डब्ल्यू लिखा हुआ दिख सकता है, नेचुरल नंबर्स की जगह एन लिखा हुआ भी दिख सकता है। ये तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर हैं, सारे तो आपके होल नंबर्स, सारे आपके नेचुरल नंबर्स, उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो जब भी जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और ये सब नेगेटिव नंबर्स भी हो जाते हैं, तो उसी को उन सब के कॉम्बिनेशन को, दैट ग्रुप ऑफ ऑल दोज नंबर्स इज सेड टू बी एज इंटीजर्स। व्हाट इज सेड टू बी एज इंटीजर्स, वेरी गुड। इट इज डिनोटेड बाय जेड, जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, किसको, इंटीजर्स को। होल नंबर समझ में आता है, नेचुरल नंबर समझ में आता है, इंटीजर समझ में आता है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। इसकी प्राइम नंबर्स, पहली बात तो सारे प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो पॉजिटिव ओनली, राइट। अब व्हाट आर प्राइम नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स, क्या दोज नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर वन और बाय देमसेल्व्स आर सेड टू बी एज प्राइम नंबर्स। तो वो सारे नंबर्स जो या तो वन से डिवाइड हो जाएं या खुद से डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं नंबर्स को आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल आपको दिख रखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 37, ये सब नंबर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है। ऐसे 11 है तो 1 से डिवाइड कर सकते हो आप या फिर 11 से खुद से डिवाइड कर सकते हो आप। सो ऑल दो दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज प्राइम नंबर्स। Okay, these numbers are just prime numbers and all natural numbers other than prime numbers are said to be as composite numbers.
all other numbers other than natural numbers, in natural numbers other than prime numbers are known as composite numbers. Basically that are divisible by 1 and by all other numbers, many other numbers. Like if you take 4, it is divisible by 1, it is divisible by 4 itself, and it is also divisible by 2. Therefore it is said to be as a composite number. Fine. So all, and one more important, you would say key point, note kind of point, job alag se, if you are writing it then you can write that too, is that 2 is the only even prime number. Only even prime number. Other than this, all prime numbers are odd. Other than this, all prime numbers are odd. I guess you all must be aware of even and odd numbers. Even numbers are those that are divisible by 2. And odd numbers are those which are not divisible by 2. So, these are what? Composite numbers. And last but not the least, we have rational numbers. Rational numbers are those numbers that contains numerator and denominator. Numerator is the upper number, you could say, and denominator is the lower number. So the upper number is numerator and the lower number is denominator, right? So these are what? Rational numbers. Iske upar ek separate class mein bhi aap logo ko upload kar dunga for sure. Jo bhi separate class mein rational numbers ke baare mein, inki kuch properties bhi hoti hain aur kaise inko add karte hain, subtract karte hain, aur thoda deep main us class mein bataunga. Ye sirf maine aapko ek general info diya, kyunki paise bhi hamari pehli video hai. So aap log mere ko thoda sa isse judge bhi karna shuru karoge. So that's why maine thoda sa basic rakhi hai baatein, taki aap logo ko bhi clear ho aur main bhi अपनी बात आप तक पहुंचा सको. तो यही हमारे नंबर्स हैं. इसके अलावा मैंने आपको बताया इवन नंबर ऑड नंबर्स, तो आप लोग उनसे सबसे वाकिफ हो. सो या हियर इट इज. किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, सो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को डाल सकते हो. सबके कमेंट्स आई विल श्योरली सी. एंड अदर देन दिस, लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस. थैंक यू सो मच. We'll be next class.